हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेप ऑफ एट नंबर की। अगर आपने इससे पहले हमारे सेशंस देखे हैं ऑन माय चैनल तो आपने देखा होगा मैंने कई शेप्स ऑफ नंबर्स की बात करी है, क्योंकि जो शेप्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर वाइब्रेशंस डिपिक्ट करते हैं, अपने पर्टिकुलर वाइब्रेशंस शो करते हैं। राइट नाउ जो ये सारे वाइब्रेशंस होते हैं वो उस नंबर की एक रियल इमेज या रियल पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वी नीड टू डिकोड देम। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स हैं, इनके वाइब्रेशंस होते हैं, बट शेप जो हैं उनके वो भी वाइब्रेशंस डिपिक्ट कर रहे होते हैं। वही हम समझने की कोशिश करते हैं अपने सेशंस में। आज हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ एट नंबर, तो लेट्स स्टार्ट। द शेप ऑफ एट नंबर है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। राइट अब देखते हैं जो आठ नंबर का ये शेप है, इस वाले शेप में आप देखिए कि कर्व्स हैं। पहले तो देखिए कि एट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। एट नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि क्या है, न्याय के देवता है। किसके देवता है? न्याय के देवता है। अगर एट नंबर का आप शेप देखें तो एट नंबर के शेप में ये कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये कर्व्स क्या शो करते हैं, मैंने कर्व्स और एंगल्स दोनों के बारे में अपने प्रीवियस सेशन में बताया है कि कर्व्स क्या होते हैं। वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इमोशनल कहते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशंस आते हैं। तो जो आठ नंबर का व्यक्ति होगा, राइट, आठ नंबर का व्यक्ति होगा, तो उसको मैंने बताया कि एट नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, न्याय के देवता को रिप्रेजेंट करता है। तो जो न्याय करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगा, सॉफ्टनेस होगा। राइट क्या होगा, सॉफ्टनेस होगा, लोगों की इमोशंस को भी समझेगा, बातों को भी समझेगा और इम्पार्शियल डिसीजन देगा। एंड ऐसे ही वाइब्रेशंस हम देख सकते हैं जो एट नंबर से रूल कर रहे होते हैं व्यक्ति। प्लस अगर एट नंबर का ये शेप देखें तो इसमें एक दो इक्वल डिवीजन आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये जो इक्वल डिवीजन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो जज होता है, जो न्याय के देवता होंगे, वो जो डिसीजन देंगे तो दोनों क्लाइंट्स की, सपोज क्लाइंट ए और बी है, तो दोनों की बातों को इक्वली सुनेंगे और उसके बेसिस पे वो क्या देंगे, वर्डिक्ट देंगे, डिसीजन देंगे, वर्डिक्ट देंगे, डिसीजन देंगे, दोनों की बातों को सुन करके, राइट, फैसला देंगे। नाउ तो ये जो इक्वल पार्ट्स हैं वो इम्पार्शियल डिसीजन, दोनों की बातों को इक्वली सुनना, इसको यहां पर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, न्याय की देवता कहा जाता है। अब आठ नंबर शनि का लोग डर जाते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है। आठ नंबर बहुत कुछ देता भी है, यस, इसमें हार्ड वर्क, स्ट्रगल इन्वॉल्व है, लेकिन साथ में हमें यह नहीं भूलना है कि ये न्याय के देवता भी हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ा रिजल्ट भी देते हैं, फल भी देते हैं। अब यहां पर देखते हैं किस तरह से शेप में हार्ड वर्क रिप्रेजेंट हो रहा होता है। देखिए शेप में, देखिए आठ नंबर के शेप में कि हम ये देखते हैं कि यहां पर घुमाव बहुत ज्यादा है, टर्न बहुत ज्यादा है। तो ये जो टर्न शो होता है, ठीक है, हम आठ नंबर को फॉर्म कर रहे हैं इस तरह से, तो देखते हैं यहां पर टर्न बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये टर्न क्या होता है, हार्ड वर्क, लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में यहां पर देखिए कि नॉटिंग भी है, यहाँ पर ग्राफोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है नॉटिंग, तो यहाँ पर नॉटिंग भी है। नॉटिंग भी क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि चूंकि न्याय के देवता हैं
तो ये कहता है कि अगर आप हार्डवर्क कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, राइट। बेस्ट एग्जांपल वी हैव नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म जो है 17 सितंबर को हुआ एंड वो रूल होते हैं 8 नंबर से। हम देखते हैं कि उनकी इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत हार्डवर्क उन्होंने किया और आज ही इज़ रूलिंग, ही इज़ लीडिंग अस, यू नो, राइट, एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो 8 नंबर वाले व्यक्ति को हार्डवर्क तो मिलता है, डिलेज तो होते हैं काम में, लेकिन इफ़ ही इज़ वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद ऑनेस्टी तो डेफिनेटली सूनर और लेटर उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसको न्याय मिलता है, क्योंकि 8 नंबर क्या है, न्याय के देवता है, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह का जो शेप ऑफ 8 है वो किस तरह से इसके पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को डिपिक्ट कर रहा है। एक खास बात और है, देखते हैं यहाँ पर कि 8 नंबर का जो शेप होता है ना, उसमें ये जो दो इक्वल डिवीजन है, राइट, दिस वन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड, ये दोनों डिवीजन और कुछ भी डिपिक्ट करते हैं, वो क्या है, फर्स्ट पार्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड पार्ट मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये मटेरियल वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। नाउ 8 नंबर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल वर्ल्ड को, क्योंकि हम देख रहे हैं दो पार्ट जो है, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट अपर पार्ट इज स्पिरिचुअल, दिस वन इज मटेरियल। तो 8 नंबर वालों के अंदर दोनों वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, स्पिरिचुअली भी वो इंक्लाइंड होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी इंक्लाइंड होते हैं, मतलब उनको लाइफ में स्पिरिचुअल फील भी मिलता है, स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड भी होते हैं और मटेरियली भी कनेक्टेड होंगे, दे विल इंजॉय दियर लाइव्स एज वेल, बोथ द वाइब्रेशंस वी कैन सी, राइट। सो हमने देखा कि किस तरह से 8 नंबर की वाइब्रेशन, 8 नंबर का शेप बेसिकली अपने वाइब्रेशंस को डिपिक्ट कर रहा है थ्रू द शेप, राइट। आई होप आप लोगों को ये मेरा सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी इन डेप्थ नॉलेज मिलती रहे ऑकल साइंस की, ठीक है। थैंक यू सो मच।